तो इतिहास को बदलने का कार्य करा था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, या करा है सबने प्रकाशन ने, जिन्होंने इतिहास के पन्नों पे इतिहास की बातों को कैसे लिखा है। हमारे साथ शांति स्वरूप बहुत ही है। आज जो इतना बड़ा जनसभा है, डेली बढ़ता क्यों जा रहे हैं? षड्यंत्रों के माध्यम से जिस चीज़ को दबाया जाता है, समय आने पर वो एक उभार उभर कर आता है। तो ये जो उभार है, ये अब तक अपेक्षाओं को धता बताने का एक ये जो जनता आती है, ये मतलब क्या लेकर आती है? और बाबा साहब का सपने कहाँ देख रहे हैं? पूरा होते हुए कहाँ तक पूरा हो गया है? बाबा साहब का सपना तो बहुत हद में पूरा हो गया। जनता के दिमाग में बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता है, ये बाबा साहब के सपने की जीवंतता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों को, बाबा साहब के द्वारा प्राप्त अधिकारों को जो लोग भुंडाने में लगे हैं, वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि यदि बाबा साहब ना होते तो तुम बिकने लायक भी ना बनते। तो तुम अगर वहाँ रेल की पटरी के किनारे पड़े होते, झोड़ के किनारे पड़े होते, एक प्लास्टिक के दीपक के नीचे पड़े होते, तो तुम्हारी क्या कीमत थी? जब से बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिया है, तब से इन नालायक नेताओं की कीमत बन गई। मगर हमारे जैसे व्यक्ति आप बहुत सारे मिलेंगे, आप जैसे व्यक्ति बहुत सारे मिलेंगे। हमें किसी कोई दुनिया का ऐसा लालच नहीं है जो हमें बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के मार्ग से विचलित कर सके। हम जान हथेली पर रखकर भी इस कार्य पर अगर लगे हैं, तो कारण ये है कि आज हम जो कुछ भी हैं वो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के त्याग, उनकी विद्वता, उनके बलिदान के कारण है। इसलिए बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति जनता पूरी तरह जागरूक है। मुट्ठी भर नेता जो रोज नई नई पार्टी बना रहे हैं, रोज नई नई पार्टियों में बिक रहे हैं और उनके सामने झुक रहे हैं, उनों का जरूर थोड़ा सा मलाल होता है, मगर जनता अपनी जगह ठीक है। जनता बिल्कुल, आप देख रहे हैं सारी जनता ही है ना। यहाँ नेता तो कोई ढूंढने से मिलेगा? यहाँ नेता तो वहाँ चरण ढूंढ रहे होंगे। आज आज बाबा साहब की मूर्ति के बाहर किसके चरण चाटू, वो चरण चाटू लोग यहाँ नहीं दिखेंगे। बाकी जनता आप देख रहे हैं कैसा उबाल है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।